काइंस डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, तो मैं थोड़ी देर के लिए सेटिंग चेंज कर दूं ताकि सबको ये क्लास दिखे, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग साइटोकाइंस के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे जो काफ़ी ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जीपैट नाइपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसलिए जल्दी जल्दी आइए, जुड़ते जाइए। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक चीज़ इंश्योर कर लीजिए कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया है कर दीजिए, और अगर खाली है तो लाइक भी दबा दीजिए, ठीक है? तो चलिए आइए, जल्दी जल्दी आइए, जुड़ते जाइए और अपने क्लासमेट्स को भी भेज दीजिए लिंक ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ सकें। हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं कैमरे को सेट कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपके सामने रहें और कोई दिक्कत ना आए। ओके, चलिए जो पेज फ्रंट में है उस पर हम लोग फोकस करेंगे, जिस पे उसको मैं अपने आप सेट कर दिया करूँगा। तो जल्दी जल्दी आइए, जुड़ते जाइए। कुछ बच्चे जुड़ गए, कुछ जुड़ रहे हैं। साइटोकाइंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैं बता दूँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन कॉज करने में जो फैक्टर यूज होते हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग साइटोकाइंस तक पहुँचे थे। ये 7th लेक्चर है, और अगर अब तक आपने ये सारे लेक्चर की सीरीज़ नहीं देखी है तो पिछले 6 लेक्चर प्लीज़ जाके देख लीजिए। सबको खूब सारा गुड इवनिंग, सबको खूब सारा लव, सबको खूब सारा अफेक्शन। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी और बच्चों को लिंक भेज दीजिए अपने क्लासमेट्स को ताकि लोग जुड़ जाएं। स्टार्ट करते हैं। साइटोकाइंस, साइटोकाइंस क्या थे बेटा? साइटोकाइंस इंक्लूडिंग इंटरल्यूकिंस, इंटरल्यूकिंस यानी एक तरह के प्रोटीन थे जो 1 to 10 ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, TNF अल्फा जिसको कहते हैं, और इंटरफेरॉन गामा, ठीक है? तो ये तीनों साइटोकाइंस थे। ये क्या कर रहे थे? ये प्रीडोमिनेंटली बाई मैक्रोफेजेस, बन किससे रहे थे? प्रीडोमिनेंटली मैक्रोफेजेस से, उसके अलावा लिम्फोसाइट से, बट इसके अलावा ये अदर टाइप के सेल से भी बन सकते हैं, ठीक है? तो मैं बता दूं साइटोकाइंस एक खास तरह की प्रोटीन थी जिसमें इंटरल्यूकिंस 1 to 10 ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और इंटरफेरॉन गामा आ रहे थे। और ये गुड इवनिंग सबको, खूब सारा गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी और बच्चों को लिंक भेज दीजिए ताकि बच्चे जुड़ जाएं। जो पेज स्क्रीन पे चल रहा है उसको मैं, जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सामने है आपके, साइटोकाइंस जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये 7th लेक्चर है। चलिए बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग, मोर देन 48 आवर्स बाद हम लोग मिल रहे हैं। चलिए सबको खूब सारा गुड इवनिंग, खूब सारा लव। चलिए तो प्रीडोमिनेटली बाय मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट, इसके अलावा अदर सेल से भी बनते हैं। अब इनके रोल की बात करते हैं, ठीक है? इन्फ्लामेशन में इनका रोल काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। ये सब हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। मैं फास्टली सम अप कर रहा हूँ, ठीक है? रिकैप कर रहा हूँ सारी चीज़ें। दीज पॉलीपेप्टाइड मॉड्यूलेट एक्टिविटी एंड फंक्शन ऑफ द अदर सेल्स टू कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इसका क्या मतलब है बेटा? इन्फ्लामेशन में जितने अदर सेल्स होते हैं, सारे सेल्स जो होते हैं उनमें आपस में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क के लिए साइटोकाइंस आपस में उनमें एक टीम वर्क क्रिएट करने का रोल करता है, ये रोल प्ले करता है, ठीक है? मतलब कि ल्यूकोसाइट हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, बाकी के जो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स हैं ये सब आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे इसको कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है साइटोकाइंस का। तो ये एक डिवाइस की तरह है, जो जैसे आप कंप्यूटर में, कंप्यूटर लैपटॉप में आप सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं 3 4 अलग अलग डिवाइस, तो उसी तरह ये एक डिवाइस की तरह है जो अदर सेल्स को जो इन्फ्लामेशन में रोल प्ले कर रहे हैं उनको आपस में सिंक्रोनाइज करने में रोल प्ले कर रहा है, ठीक है? चलते हैं पेज नंबर 11 पे। चलिए सॉरी 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 सॉरी, पिछला पेज आ गया, ठीक है? तो चलिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट हैं जैसा कि आप लोग हमेशा चाहते हैं, और जब चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट रहती हैं तो आपके लिए अच्छा रहता है, ठीक है? तो मैं पेज सेट कर दूं, ठीक है? एक्चुअली बेटा मैंने ऐसे सेटिंग की है, मैं जिस पेज पे कंसंट्रेट करूंगा उसको मैं पूरा दिखेगा, ये मत सोचिएगा कट रहा है। अभी इतने को हम लोग डिस्कस कर लें, फिर जब इस पे आएंगे तो मैं सेट कर दूंगा। चलिए तो 2 or more इम्पॉर्टेंट इंटरल्यूकिंस, ठीक है? तो इंटरल्यूकिंस 1 एंड सॉरी
इंटरल्यूकिन 1 एंड TNF अल्फा, दो जो इंपॉर्टेंट आपके साइटोकाइंस हैं, ये क्या करते हैं, मोबिलाइज मूव करते हैं, एक्टिवेट ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट यानी WBC को एक्टिवेट करते हैं, इनहेंस प्रोलिफरेशन ऑफ बी एंड टी सेल, बी और टी लिम्फोसाइट जो कि एक्वायर इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी जो कि हमारी बॉडी में एक्वायर होती है, एक्वायर यानी जिसको हम अपनी क्षमता से धीरे धीरे गेन करते हैं, धीरे धीरे पाते हैं एंटीजन के कॉन्टैक्ट में आने के बाद, उसको एक्वायर इम्यूनिटी कहते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंटरल्यूकिन 1, साइटोकाइंस में भी दो साइटोकाइंस कौन कौन से, इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा, ये मूव करके जाते हैं और ल्यूकोसाइट को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, उनके प्रोलिफरेशन को, किन ल्यूकोसाइट्स के, आपके लिम्फोसाइट्स में बी और टी सेल्स के, ठीक है। और ये क्या देते हैं हमारी बॉडी को, यहाँ मेंशन नहीं है, लिखा नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं, एक्वायर इम्यूनिटी देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ओवरऑल इंटरल्यूकिंस 1 और TNF अल्फा का फंक्शन क्या है, इन दोनों के हेल्प से एक्वायर इम्यूनिटी बढ़ाई जा रही है। अगर GPAD में क्वेश्चन आया, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरल्यूकिंस या विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोकाइंस विल हेल्प इन इन्हांसिंग द एक्वायर इम्यूनिटी, देखिए मैं क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कौन से साइटोकाइंस की बात हो रही है, इंटरल्यूकिंस 1 एंड TNF अल्फा, ठीक है। तो दो तैयारी आपकी एक साथ हो रही है, सेमेस्टर की भी और GPAD नाइपर की भी, यही मैं अलग से नोट करके आप किसी को पढ़ा दूँ तो वो नाइपर की क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो आप समझिए कि ये क्लासेस जो भी अटेंड करेगा उसको हर तरफ से फ़ायदा होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा एंड नेचुरल किलर सेल साइटोटॉक्सिसिटी, तो बेटा नेचुरल किलर सेल जो होता है ये उसी प्रोजेनाइटर सेल से, उसी सेल से बनता है जिससे बी और टी लिम्फोसाइट बनते हैं। यानी कि जहाँ दो बच्चे थे, कहानी याद करिए, हम लोग लास्ट क्लास में, लास्ट इवन 2-3 पहले की पुरानी जो क्लासेस है उसमें हम लोग डिस्कस किए थे, जहाँ बी और टी सेल बन रहे थे बेटा, वहाँ एक और बच्चा बन रहा था, एक पैदा हो रहा था, जिसका नाम रहता है, जिसके बारे में किसी को बताया नहीं जाता है, सबसे छुपाया जाता है, वो है नेचुरल किलर सेल। ये बेटा क्या करता है, ये इनहेंट इम्यूनिटी देता है, ये हमको बाई बर्थ हमारे जीन से मिलता है, ठीक है। याद रखिए कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो धीरे धीरे हमारे एडाप्टेशन पर डिपेंड करती है, हम कितना तेजी से एंटीजन के कॉन्टैक्ट में जाने के बाद धीरे धीरे अडॉप्ट करेंगे, जो अडॉप्ट इम्यूनिटी, ठीक है, अडॉप्टिव इम्यूनिटी। इनहेंट इम्यूनिटी बाई बर्थ मिलती है, ठीक है। तो बेटा बी और टी लिम्फोसाइट जो है अडॉप्टिव इम्यूनिटी देते हैं, ठीक है, जिसको अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी में डेवलप होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो नेचुरल किलर सेल है बेटा, ये वहीं से पैदा हो रहा है जहाँ से बी और टी लिम्फोसाइट, लेकिन ये कौन सी इम्यूनिटी दे रहा है, इनहेंट, समझिएगा बात को, ठीक है। तो एंड देयर इन्वॉल्वमेंट इन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू इंडोटॉक्सिन, तो इंडोटॉक्सिन जो बैक्टीरिया वायरस का जो इंडोटॉक्सिन होता है उसके प्रति जो रिस्पॉन्स दिखता है, उस रिस्पॉन्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कौन प्ले करता है, आपके ये तीनों, ठीक है, और आपके इंटरल्यूकिंस भी। तो बैक्टीरिया के द्वारा पैदा हुए आपके इंडोटॉक्सिन्स को किल करने में, उसको सप्रेस करने में, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी पैदा करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंटरल्यूकिंस 1 और आपका TNF अल्फा, और ये बी सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल को भी बनाने में, प्रोलिफरेट करने में एक सिग्नल मॉलिक्यूल का काम करेगा, ठीक है। चलिए, तो क्या कहा जाता है, इसके बाद चलते हैं आपके अगले फंक्शन पे। यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में इंटरल्यूकिंस 1 और इंटरल्यूकिंस 6 और TNF अल्फा, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है कई बार, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। TNF अल्फा के अलावा इंटरल्यूकिन 1 और 6 ये तीनों क्या करेंगे, एक्यूट फेज रिस्पॉन्स देंगे। एक्यूट फेज रिस्पॉन्स क्या होता है बेटा, जब एक्यूट फेज स्टार्ट होता है इन्फ्लामेशन का, तो हमारी बॉडी में जो भी सिम्टम्स दिखते हैं वो स्टार्ट होंगे, जैसे पायरेक्सिया, सिस्टेमिक क्लिनिकल साइन, स्लीप, ठीक है, एंड एनोरेक्सिया। तो मैं किक बता दूं, पहला क्या है, पायरेक्सिया, पायरेक्सिया यानी फीवर हो जाना। एंटी पायरेटिक ड्रग दी जाती है, तो एंटी पायरेटिक ड्रग का मतलब है वो ड्रग जो फीवर को कम करे, तो पायरेक्सिया क्या है, फीवर हो जाना, ठीक है, सिंपल। इसको आप लिख सकते हैं, लेकिन बेटा याद रखिएगा, पायरेक्सिया लिखिएगा, 1-2-3 करके लिखिएगा।
सिस्टेमिक क्लिनिकल साइंस. सिस्टेमिक क्लिनिकल साइंस, सिस्टेमिक का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी के पूरे बॉडी में दिखने वाले साइंस क्या होंगे, जो पूरे बॉडी में इन्फेक्शन फैल रहा है और इन्फ्लामेशन जो है पूरे बॉडी के इन्फेक्शन को कवर करके चल रहा है, ये मान के कि पूरे बॉडी में फैल सकता है इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन कॉजेटिव एजेंट पूरे बॉडी में फैल गया है या फैल सकता है. ऐसे में जो साइन दिखते हैं वो क्या है, स्लीप, सोना, ज़्यादा नींद आना और एनोरेक्सिया. एनोरेक्सिया यानी कि बेटा भूख न लगना, ठीक है. भूख न लगने को एनोरेक्सिया कहते हैं, ANOREXIA, ठीक है. फिर एक्यूट फेज रिस्पॉन्स, द स्टिमुलेशन स्टिमुलेट्स लीवर टू सिंथेसाइज मेनी कॉम्पोनेंट, ठीक है. तो इसके अलावा ये लीवर को स्टिमुलेट करेगा बहुत सारे कॉम्पोनेंट को बनाने के लिए, बिकॉज हम लोग डिस्कस किए थे लीवर ज़्यादातर कंपोनेंट को बनाता है, ठीक है. तो लीवर को स्टिमुलेट किया जा रहा है बहुत सारे कंपोनेंट्स को बनाने के लिए. चलिए, इन एक्यूट फेज रिस्पॉन्स इट स्टिमुलेट लीवर टू सिंथेसाइज मेनी कंपोनेंट. इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, बाय इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन इन ल्यूकोसाइट इंड्यूस ऑफ PLA2 एक्टिविटी, ठीक है. अब PLA2 क्या है बेटा, बहुत लोग सोचिए, थोड़ा आप सोचिए, मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, तुरंत बता रहा हूँ, अगले क्लास में नहीं, अभी बताऊँगा. सबको गुड इवनिंग, ठीक है. पहले बता दूँ हो क्या रहा है. हमने पढ़ा था बेटा कैल्शियम बहुत कुछ बवाल कर रहा था, कहाँ पे, इन्फ्लामेशन के इनिशियल स्टेट में. याद करिए, इन्फ्लामेशन में नहीं, सेल इंजरी में हम लोग पढ़े थे कैल्शियम काफ़ी बवाल कर रहा था. क्या कर रहा था, कैल्शियम आ रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा था, उसके मैट्रिक्स से जुड़ रहा था और कैस्पेज और क्या बना रहा था, साइटोक्रोम पी बना रहा था, और इसके अलावा बाकी के एपोप्टोटिक सिग्नल को स्टार्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स बना रहा था. यहाँ पे कुछ ऐसा ही रोल प्ले कर रहा है. क्या हो रहा है बेटा, इंट्रासेलुलर कैल्शियम का लेवल बढ़ जा रहा है, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल, ठीक है. कंसंट्रेशन कहाँ पे, लेकिन नॉर्मल सेल में नहीं बेटा, ल्यूकोसाइट में. ल्यूकोसाइट यानी WBC में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, PLA बेटा कुछ और नहीं है, परेशान मत होइए, ये है आपका फॉस्फोलाइपेज ए. फॉस्फोलाइपेज ए के भी कई टाइप्स होते हैं, तो उसमें आप लिख दीजिएगा फॉस्फोलाइपेज ए टू या सिंपल फॉस्फोलाइपेज ए भी लिख सकते हैं. तो फॉस्फोलाइपेज क्या करता है, फॉस्फोलाइपेज वो एंजाइम था जो फैट को डाइजेस्ट करने में, फैट को ब्रेक डाउन करने में रोल प्ले करता था, ठीक है. अभी हम कहीं पढ़े थे, याद करिए, आया था उसमें क्या हो रहा था, सेल मेम्ब्रेन को खराब करने के लिए फॉस्फोलाइपेज ए को एक्टिवेट किया जा रहा था. कहाँ पढ़े थे हम लोग, पिछला क्लास आप लोग रिवाइज करते रहा करिए, बीच बीच में लेक्चर देखा करा करिए, और जो नोट्स आपने बनाया है, जो स्क्रीनशॉट लिया है, या अगर आपके पास नोट्स है जो मैं ऑलरेडी दे ही रहा हूँ एक तरह से, तो उनको रिवाइज करते रहा करिए, ठीक है. तो फॉस्फोल, क्योंकि सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं तो पिछली चीज़ें याद रहेंगी तो आगे उतना मज़ा आएगा आपको, अदरवाइज लगेगा कि काफ़ी बोरिंग क्लासेस है, ठीक है. तो क्या कर रहा है, फॉस्फोलाइपेज ए को, ए में भी कौन वाले, फॉस्फोलाइपेज ए टू को एक्टिवेट कर रहा है. कैसे कर रहा है, ल्यूकोसाइट के अंदर कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के, ज़्यादा कैल्शियम जाएगा. कौन कर रहा है, कौन कर रहा है ये भी जानिए, वही कर रहा है जो अब तक सारी चीज़ें कर रहा है, इंटरल्यूकिंस. अब देखिए बेटा इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है, तो सारे इंटरल्यूकिंस ये काम करते हैं, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है ना IL-1 या TNF-alpha, लेकिन प्रीडोमिनेटली जो इंटरल्यूकिंस ये सारा काम करते हैं वो कौन से हैं, वो हैं आपके इंटरल्यूकिंस 1, ठीक है, इंटरल्यूकिंस 6 और TNF-alpha, ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं. इंटरल्यूकिंस में 1, 6 और TNF-alpha ये तीनों ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं. ऐसे समझिए इंटरल्यूकिंस 1 से लेकर 10 तक 10 हैं और TNF-alpha और आपके एक और है, ठीक है. तो आपके इन सारे में तीन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, जो 12-13 टोटल साइटोकाइंस मैंने दिखाया, हालांकि और भी होते हैं, बट इनमें इन 12-13 में सबसे ज़्यादा एक्टिवेट बेटा कौन होते हैं, इंटरल्यूकिंस 1, TNF-alpha और इंटरल्यूकिंस 6. कभी अगर जीपैट, नाइपर फार्मासिस्ट, जूनियर फार्मासिस्ट या किसी भी इंटरव्यू में कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया और अगर आपको नहीं याद है तो ध्यान में रखिएगा, सर ने एक चीज़ बताई थी, सबसे ज़्यादा एक्टिवेट इंटरल्यूकिंस
अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है कि ये रिएक्शन इन्फ्लामेशन में या कैंसर में इनमें इंटरल्यूकिन्स रिस्पॉन्सिबल होता है तो कौन सा होगा, तो ध्यान दीजिएगा बेटा 1-6 और अल्फा के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर 1-6 में भी कंपेयर किया जाए तो 1 वाला ज़्यादा एक्टिवेट होता है। तो इंटरल्यूकिन्स 1 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पे, आपके किस क्लासेस में, इम्यूनोलॉजी की क्लासेस में। लेकिन चलिए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, अगला पॉइंट है। अब मैं देखिए, अब हम लोग इस साइड जा रहे हैं, तो मैं इधर पेज को ऐसे सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा पेज सेट करने में दिक्कत होगी, बल्कि और पास कर देता हूँ स्क्रीन ताकि आपको और अच्छे से दिखे, ठीक है। चलिए तो हाँ, अब मैं हाँ चलिए तो हाफ हाफ पेज पे कंसंट्रेट करिए और इसका अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में वीडियो में जाके। चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं, जो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे उनको स्क्रीनशॉट ले लें, लेक्चर सुन लें मैक्सिमम 2 बार, और फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो जीपैड नाइपर सब बल्ले बल्ले हो जाएगा। चलिए तो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर का क्या मतलब है बेटा? कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो होते हैं ये सेल की कॉलोनी कब बनेगी? कॉलोनी का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे तभी कॉलोनी होगा। तो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर बेटा क्या करेगा? सेल की कॉलोनी बनने में हेल्प करेगा, कॉलोनी बनाने में। तो कॉलोनी कब बनेगी? जब सेल में डिवीजन होगा। जब डिवीजन होगा तो याद रखिए, सेल डिवीजन में आप लोगों ने पढ़ा है फेजेस होते हैं, कौन कौन से फेज होते हैं? G1 फेज, G0 फेज, M फेज, याद करिए, ठीक है। तो उसी तरह कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो होता है एक खास तरह का साइटोकाइंस होते हैं, एक अलग तरह का साइटोकाइंस है। जो अब तक हम लोग पढ़े वो तो साइटोकाइंस थे, इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन, गामा और TNF अल्फा, ये तो होते ही हैं। इसके अलावा कुछ अलग तरह के साइटोकाइंस भी होते हैं, ठीक है। तो ये साइटोकाइंस कौन कौन से हैं? GM, CSF, CSF का मतलब है बेटा कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। GM का मतलब क्या है बेटा? G से M फेज, G1 फेज से M फेज। देखिए G1 फेज, G फेज से M फेज में ले जाने वाला कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर कहीं ना कहीं ये सेल डिवीजन से रिलेटेड है बेटा। उसके बाद क्या है? GCSF, GCSF का पूरा नाम क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर रिलेटेड विथ G फेज और M फेज से रिलेटेड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। आप ऐसे लिखिएगा कि कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, जिसको CSF कहते हैं, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, जो कि कई तरह के होते हैं, जैसे GM, GM, MG क्या है, ये आपके सेल डिवीजन के पार्ट हैं। याद रखिए सेल डिवीजन हम लोग पढ़े थे, तो उसमें क्या था? सेल डिवीजन में G1 फेज था, गैप फेज, ठीक है, फिर G0 फेज था, और कौन सा फेज था? M फेज था, याद रखिए। तो आप वहां पे सेल डिवीजन जाके बाद में पढ़ लीजिएगा, बट नाम याद रखिए। M फेज से क्या था? माइटोटिक फेज था, जिसमें एक्चुअल में कैरियोकाइनेसिस हो रहा था, तो उसको याद रखिए, ठीक है। तो ये सारे भी आपके हैं, किस तरह क्या है? साइटोकाइन से, आर साइटोकाइन दैट प्रमोट एक्सपेंशन ऑफ WBC, WBC का एक्सपेंशन करना, ठीक है। WBCs कॉलोनीज इन बोन मैरो। तो ये करते क्या है बेटा? ये जो सेल डिवीजन की बात हो रही है, किसके सेल डिवीजन की बात हो रही है? ये बात हो रही है आपके WBC के सेल के डिवीजन की। WBC के सेल्स में डिवीजन के प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ओवरऑल कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, जिनका नाम कैसे है? GM-CSF, GCSF, MCSF, ये एक तरह के इंटरल्यूकिन्स हैं जो WBC को क्या करते हैं? WBC के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। उनमें भाई सेल डिवीजन, WBC हो चाहे हमारी बोन की सेल हो, कैसे बनेगा? आफ्टरऑल बनेगा तो सेल डिवीजन से ही, तो उनके सेल डिवीजन को बढ़ाएंगे, ठीक है, कहाँ पे? बोन मैरो में। चलिए इंटरल्यूकिन्स 1-6 और TNF अल्फा, अगला पॉइंट, अगले पॉइंट पे मैं बेटा आ गया, ठीक है। एक्टिवेट करते हैं फाइब्रोब्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी को। फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं, ठीक है। अब मैं बता दूं फाइब्रोब्लास्ट क्या करती है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फाइब्रोब्लास्ट वुंड हीलिंग में रोल प्ले करती है, ठीक है। और ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेगा बेटा? हमारे बोन्स के अंदर सेल डिवीजन के प्रोसेस को बढ़ाना और नई सेल्स बनाना, ताकि बोन्स की सेल हेल्दी रहें।
अब हमारे बोन्स की सेल टूटती रहती है, सेल है तो उसकी लाइफ होगी, वो तो डेथ करेगी, तो उसकी जगह नई सेल भी बनेगी, ठीक है, चाहे हमारी स्किन हो चाहे हमारी बोन्स हो, सब में सेल डिवीजन तो होता रहता है, नॉर्मल प्रोसेस है। तो ऑस्टियोब्लास्ट के थ्रू बोन्स में सेल डिवीजन होता है, फाइब्रोब्लास्ट के थ्रू हीलिंग होती है, पूरे बॉडी में कहीं भी अगर चोट लगी है तो वहाँ पे हीलिंग का जो प्रोसेस होता है वुंड हीलिंग का, उसमें फाइब्रोब्लास्ट प्रोसेस सेल्स होती हैं, जो एक तरह की स्टेम सेल जैसी होती हैं दोनों। तो याद रखिए बेटा, इंटरल्यूकिंस 1-6 और TNF अल्फा फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक चीज याद रखिएगा, अगर आपसे कोई स्पेसिफिकली फंक्शन पूछे इंटरल्यूकिन 6 का, ठीक है, तो इंटरल्यूकिन 6 का फंक्शन क्या है बेटा, एक तो पहले आया था याद रख, अभी हम लोग डिस्कस किए आज ही के क्लास में, क्या था आपके पायरेक्सिया में रोल प्ले कर रहा था, ठीक है, और यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट को इंड्यूस करने में, उसको प्रमोट करने में भी रोल प्ले कर रहा है। फिर कोलेजिनस, ठीक है, सॉरी कोलेजन्स स्ट्रोमिलाइसिन दैट कैन कॉज कार्टिलेज एंड बोन मैरो रिजॉर्प्शन, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ खास तरह के एंजाइम के बनाने में भी रोल प्ले करता है, वो एंजाइम क्या है बेटा, कोलेजिनेस और स्ट्रोमिलाइसिन और कोलेजिनेस। तो कोलेजिनेस क्या करेगा बेटा, कोलेजन बनाएगा, कोलेजिनेस जो है कोलेजन बनाएगा, ये कोलेजन हर जगह काम आता है, बोन्स में भी होता है, मैट्रिक्स बनाने में, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए, हमारे जितने भी कनेक्टिव टिश्यू, हमारे बॉडी में ज़्यादातर कनेक्टिव टिश्यू हैं, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, तो सारे कनेक्टिव टिश्यू में सेल रहेगा और सेल का मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स तो रहेगा ही रहेगा। जहाँ जहाँ भी मैट्रिक्स कोलेजन का बना होता है, स्पेसिफिकली कहाँ पे बना होता है, बोन्स में, कार्टिलेज में, ठीक है, और लिगामेंट में, टेंडन में भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं मसल्स में भी हो सकता है। कोलेजन एक तरह की प्रोटीन है जो बॉडी में कहीं भी रहेगी तो बॉडी को स्टिफनेस या कड़ा बनाएगी वहाँ के टिश्यूज़ को। तो जहाँ भी कोलेजन होगा वहाँ उसका बहुत बड़ा रोल है बेटा। इसके अलावा स्ट्रोमिलाइसिन जो है, स्ट्रोमिलाइसिन क्या करता है, ये एक मेटेलो प्रोटीन है, ठीक है, एक तरह का मेटेलो प्रोटीन मैट्रिक्स है जो टिश्यू के रीमॉडलिंग में, टिश्यू के रीमॉडलिंग का क्या मतलब है, जब कहीं का टिश्यू एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू टूटता है तो उसके रीमॉडलिंग यानी इसको फिर से बनाने में, जैसे घर पुराना हो जाता है तो पूरा घर थोड़ी ना गिराते हैं, क्या करते हैं उसको रेनोवेट करते हैं, कहीं का दीवार तोड़े वहाँ नई दीवार बनाए, ऐसे करेंगे, मतलब जो किचन को रिनोवेट किया जाता है ना, वैसे ही चीज़ों को रिनोवेट किया जाता है, वैसे टिश्यू का रिनोवेशन का प्रोसेस रीमॉडलिंग है, पूरा टिश्यू न तोड़ के उसकी कुछ सेल्स को, पुरानी सेल्स को हटाना, नए को लगाना, उसको और हेल्दी बनाना, इस तरह का प्रोसेस जो होता है इसमें स्ट्रोमिलाइसिन रोल प्ले करता है बेटा, ठीक है। ये एक मेटेलो प्रोटीन है, मेटल से जुड़ा बना हुआ एक प्रोटीन है, मेटल और अमाइनो एसिड से बना एक प्रोटीन है जो मैट्रिक्स बनाता है, और इसका बहुत बड़ा रोल है अर्थराइटिस में, इसके गड़बड़ हो जाने पे अर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिनमें अर्थराइटिस होता है उसमें स्ट्रोमिलाइसिन का डायग्नोसिस किया जाता है, ठीक है। चलो बेटा आगे चलते हैं, इसके अलावा बोन रिजॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है इसको भी ये कंट्रोल करता है TNF अल्फा इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 1, कैसे करता है बेटा, इन्हीं के थ्रू, ठीक है, कोलेजिनेज और स्ट्रोमिलाइसिन के थ्रू, ठीक है, कोलेजिनेज और स्ट्रोमिलाइसिन के थ्रू ही रिजॉर्प्शन का प्रोसेस, बोन मैरो के रिजॉर्प्शन, बोन के रिजॉर्प्शन का प्रोसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है, कार्टिलेज एंड बोन मैरो रिजॉर्प्शन। अब क्या रिजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है बेटा, टूटना, ठीक है, रिजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, टूटना, जब कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है और जब सेल्स की WBC/RBC की ज़रूरत पड़ती है, तब ब्लड के ज़रूरत के लिए बोन मैरो की सेल्स का रिजॉर्प्शन होता है और कैल्शियम की ज़रूरत के लिए हमारी बोन्स का रिजॉर्प्शन होता है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आप आगे चल के पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में, ठीक है। तो अभी इतना समझिए, रिजॉर्प्शन का मतलब होता है हेल्दी तरीके से बॉडी के किसी टिश्यू को तोड़ करके ज़रूरी चीज़ें प्राप्त करना, जैसे अगर ब्लड में कैल्शियम नहीं है तो बोन्स के रिजॉर्प्शन के जरिए बोन का कैल्शियम ब्लड में जाएगा,
क्योंकि अगर ब्लड में कैल्शियम बिल्कुल नहीं रहा तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और बहुत सारे जरूरी प्रोसेस नहीं होंगे, किसी भी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम की जरूरत बेटा पड़ती है। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, ऑल्सो स्टिमुलेट साइनोवियल सेल। अब साइनोवियल फ्लूइड बेटा कहाँ होता है, हमारे ज्वाइंट्स में होता है, ठीक है। ज्वाइंट्स में जो साइनोवियल फ्लूइड्स होता है, हर जगह के ज्वाइंट्स में, स्पेसिफिकली नी के ज्वाइंट्स में और हर जगह के ज्वाइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड होता है। ये क्या करता है, ये वही करता है जो आप अपने बाइक में, अपने टू व्हीलर में जो आप मोबिल जो काम करता है, मोबिल आप डालते हैं, ये इंजन के पार्ट्स के बीच में जा करके एक चिपचिपी लेयर बना लेता है, जिससे जब दो पार्ट्स इंजन के, याद करिए आपने कैस्ट्रोल का ऐड देखा होगा या किसी मोबिल की कंपनी का ऐड देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि इंजन के पार्ट्स आपस में रब करते हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, तो उस फ्रिक्शन में इंजन के पार्ट्स यानी जो मटेरियल है वो आपस में रगड़ के ख़राब ना हो, इसके लिए उनमें मोबिल डाला जाता है। बिना मोबिल के अगर गाड़ी की सर्विसिंग ना हो और मोबिल रिप्लेस ना किया जाए, ठीक है, एक्सचेंज ना किया जाए, पुराना हटा के नया, तो क्या होता है, देखिए यूज़ होने के बाद वो काला पड़ जाता है, तो क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और पार्ट्स ख़राब हो जाएंगे, इंजन जल्दी ख़राब हो जाएगा। उसी तरह बेटा हमारे जॉइंट्स में दो हड्डियाँ जहाँ पे जुड़ती हैं कहीं पे भी जॉइंट्स में, ठीक है, तो उन दो हड्डियों के बीच में फ्रिक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इस फ्रिक्शन को कंट्रोल करने में साइनोवियल फ्लूइड एक मोबिल की तरह काम करता है। ये हमारी बॉडी में बनता है, इसको बनाने में बहुत सारी चीज़ों का इम्पॉर्टेंट रोल है, जैसे ग्लूकोसामाइन हो गया, कॉन्ड्रोटीन नाम की प्रोटीन हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मिथाइल सल्फोनिल मेथेन, इसके बारे में हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाइएगा मेरे चैनल पे और ट्रेनिंग सेशन में जाइएगा, वहाँ पे एक वीडियो है ऑर्थो लाइफ का, जब मैं मतलब मैं कंपनी से मैं MRs को ट्रेनिंग देता था तो वहाँ पे मैंने एक वीडियो एक MR ने बनाया था, एक प्रोडक्ट है जो जॉइंट्स के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया था मैंने, तो वो पूरे इंडिया में यूनिक प्रोडक्ट था ऑर्थो लाइफ के नाम से, हालांकि कंपनी ने उसको उतना प्रमोट नहीं किया जितना मैं चाहता था, अभी भी वो बिक रहा है, काफ़ी अच्छा बिक रहा है। तो आप अगर ये आपको मैं बेटा इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने में कि हमारे जो साइनोवियल फ्लूइड है उसको हेल्दी रखने के लिए क्या क्या चीज़ें हमको खानी चाहिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा ऑर्थोलाइफ, प्रशांत रघुवंशी ऑर्थोलाइफ सर्च करिएगा, ठीक है, तो आ जाएगा, आपको मिल भी जाएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा है, तो उसमें मैंने 5-6 इंग्रेडिएंट बताए हैं और नेचर में कहाँ से मिलते हैं ये भी मैंने बताया, बहुत अच्छा वीडियो है, आप देखिएगा, एक्चुअली वो जॉइंट्स के लिए बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस पर साइनोवियल सेल्स की, तो उसको स्टिमुलेट किया जाएगा, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स पे, ठीक है, एंड कॉन्ड्रोसाइट्स को, कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है, आपके वही सेल जो कॉन्ड्रोटीन नाम की प्रोटीन बनाती है, मैंने अभी बताया, तो कॉन्ड्रोटीन प्रोटीन जो है वो साइनोवियल फ्लूइड का एक अभिन्न अंग है, और इसको बनाने का काम कौन करता है, हमारी खास तरह की सेल करती हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स जिनको कहते हैं, तो इनको भी स्टिमुलेट करता है टू रिलीज पेन इंड्यूसिंग मेडिएटर। लेकिन बेटा क्यों इंड्यूस करता है, अच्छी चीज़ों के लिए इंड्यूस नहीं करता है, पेन के लिए इंड्यूस करता है, यानी मैंने क्या बताया आपको, हमारे साइनोवियल जॉइंट्स में, साइनोवियल टिश्यूज में जो साइनोवियल फ्लूइड बनाते हैं, और कॉन्ड्रोसाइट्स में जो कॉन्ड्रोटीन प्रोटीन बनाती हैं, ठीक है, कॉन्ड्रोटीन सल्फेट में बोल रहा था, एक्चुअली जब कॉन्ड्रोटीन प्रोटीन कम बनती है तो बाहर से हमको खाना पड़ता है, वो उस कैप्सूल में था, याद आ गया इसलिए बोल दिया, वो आपके क्या होता है, कॉन्ड्रोटीन सल्फेट के नाम से अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आप समझिए कि हमारे जॉइंट्स के साइनोवियल टिश्यू को और कॉन्ड्रोसाइट्स को, जो ज़रूरी टिश्यू हैं, जो ज़रूरी चीज़ें बनाते हैं, उनको स्टिमुलेट किया जाता है किसके लिए, पेन वाले सिग्नल भेजने के लिए, ठीक है, मतलब जो पेन वाला सिग्नल होता है वो बनाने के लिए TNF जो है और जो इंटरल्यूकिंस हैं ये इसको स्टिमुलेट करते हैं। तो क्या होगा बेटा, पेन ज़्यादा होगा। ये क्यों होता है, ये एक तरह का सिग्नल है बॉडी को, हमको हमारे ब्रेन को पता चले कि घुटने में कुछ गलत हो रहा है, ताकि हम ध्यान जाए हमारा उस पर और हम मेडिकल टीम के पास जाएं दिखाएं। बेटा एनर्जी है वॉइस में, एक्चुअली क्या है कि जो माइक है वो हो सकता है सेटिंग में सही नहीं, मैंने इसको सॉफ्टवेयर को
फिर से इंस्टॉल किया है तो उसके वजह से वो स्लो होगा, मे भी स्लो होगा। चलिए हेडफोन लगा के सुनिए। चलिए मैं बहुत स्लो समझा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है बेटा, अगर हम एक भी पॉइंट छूटा तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए नाइट्रिक ऑक्साइड NO की बात करते हैं, ठीक है। और एक दिन का गैप होने से, 48 घंटे का गैप होने से एनर्जी शायद चली गई, ठीक है। तो एनर्जी के लिए क्या चाहिए, खूब सारा लाइक्स चाहिए। हाँ खूब सारा लाइक्स मिलेगा, 25 लाइक्स मिल जाएंगे इस वीडियो पे तो एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेटा किसकी, नाइट्रिक ऑक्साइड NO की, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि साइटोकाइंस के बाद जो सेल से मीडिएटेड जो प्लाज्मा से मीडिएटेड, सेल से मीडिएटेड जो और चीज़ें कॉम्पोनेंट हैं उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में बेटा एक चीज़ अच्छी चीज़ मेंशन करते हैं। थैंक यू बेटा, हरियाणा से, हरियाणा पूरे हरियाणा को भी मेरा खूब सारा लव, खूब सारा अफेक्शन, ठीक है। और भगवान करे जल्दी से चीज़ें सही हों, ये जो कोरोना और बाकी सारी चीज़ें फैली हैं। अच्छा बेटा आज हम लोग अभी जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसमें इंटरल्यूकिंस जो था, आपके अच्छे कमेंट्स भी एनर्जी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। पूरे इंडिया से जब बच्चे सुनते हैं और कमेंट्स करते हैं, इवन नेपाल से मुझे एक बच्चे ने पर्सनली व्हाट्सएप नंबर लेके मैसेज किया था, मैं तो नंबर देख के पहले डर गया कि नेपाल या कहीं बाहर से ISD मैसेज कहाँ से आ गया। फिर बाद में मैंने मैसेज देखा तो अच्छा लगता है कि बाहर या जहाँ भी हिंदी सुनी जाती है या बच्चे जहाँ भी, फार्मेसी तो हर जगह कॉमन है ऑलमोस्ट, इंटरल्यूकिंस और आपके सारे टॉपिक्स तो वही रहेंगे, तो कोई भी अगर देखता सुनता है अच्छा कमेंट करता है तो अच्छा लगता है, ठीक है। थैंक्स बेटा। चलिए तो नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड में बेटा मैं बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रहा हूँ आज। ज़्यादातर बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड की बात आती है तो उनको बस एक चीज़ पता होती है, क्या पता होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड इंडोथीलियम से रिलीज होता है और क्या करता है, वेसोडाइलेशन करता है, ठीक है, वेसोडाइलेशन करता है सिंपली। ये तो सही है, ये तो मेन काम है ही। आज अगर मैं बोलूं कि जैसे मैंने आज आपको बताया कि दो नहीं तीन भाई थे, तीसरे भाई को पैदा करके छुपा दिया गया था, उसको दूसरे गाँव भेज दिया गया था, ठीक है, किसी को पता ही नहीं चला कि तीन भाई थे। हो सकता है इसलिए किया गया हो ताकि एंटीजन को बेवकूफ़ बनाना हो, ठीक है। तो एंटीजन को बेवकूफ़ बनाने के लिए तीन भाई पैदा हुए तो दो को ही सामने रखा गया, एक को छुपा दिया गया, एकाएक ये एंट्री मारेगा और सारे एंटीजन को हरा देगा। क्या था वो, आपके कौन सी सेल थी, नेचुरल किलर सेल, उसका नाम भी देखिए क्या रखा गया, नेचुरल किलर सेल, मार देने वाली। तो इसी तरह बेटा यहाँ समझिए, नाइट्रिक ऑक्साइड का नॉर्मल फंक्शन तो हमको पता ही है, सबको पता है, पूरे मतलब समझिए सारे फार्मेसी स्टूडेंट्स को पता रहता है। आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग बता दूं आपको, वो क्या है बेटा, जब ज़्यादा कम रिलीज होगा तो वो काम करेगा जो नेचुरली करता है, क्या करता है, वैसो डायलेशन और BP को कम करना। कहाँ से रिलीज होता है, वो रिलीज होता है इंडोथीलियम से, ठीक है, ब्लड वेसल्स के इंडोथीलियम से, ये सबको पता है। आज मैं ये बता रहा हूँ जब ज़्यादा रिलीज होगा, जब बहुत ज़्यादा रिलीज होगा तब क्या करेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, प्ले ए रोल इन, ठीक है, मेंटेनिंग रेस्टिंग वेस्कुलर टोन। वेस्कुलर टोन यानी कि ब्लड वेसल्स का, पाइप्स का, जो आर्टरी वेन्स का जो टोन होता है, टोन यानी कि उनकी परमेबिलिटी भी और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी, इसको कंट्रोल करता है कौन, NO। ये आपको पता था, पहले से पता था, वैसोडाइलेशन एंड एंटी एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट। एक चीज और समझ लीजिए, NO कम अमाउंट में जब रिलीज होता है तो प्लेटलेट को एग्रीगेट करने से रोकता है, ठीक है, एंटी एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट, सॉरी, एंटी एग्रीगेशन का क्या मतलब होता है, एग्रीगेट यानी प्लेटलेट को चिपकने से रोकता है बेटा, ठीक है। ये नॉर्मल फंक्शन है, सबको पता होता है कि भाई NO रिलीज होगा तो वैसोडाइलेशन होगा, BP कम होगा और प्लेटलेट एग्रीगेट कम करेंगे। अब क्या होगा, साइटोकाइंस, कौन से साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन 1 और TNF-alpha के प्रेजेंस में, ठीक है, और अदर इंफ्लामेटरी मीडिएटर के प्रेजेंस में ज़्यादा अमाउंट में NO रिलीज होता है, भर भर के। देखिए क्या होता है, फार्माकोलॉजी में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, फार्मेसी में, लाइफ साइंस में, कोई चीज़ कम बन रही है और कोई चीज़ ज़्यादा बन रही है, तो हो सकता है
ज्यादा बनने पे असर अलग तरह का दिखे और कम बनने पे असर अलग तरह का दिखे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को पैराडॉक्सिकल सिचुएशन कहते हैं बेटा। पैराडॉक्सिकल मतलब कम बनेगा तो जो असर दिखाएगा, ज्यादा बनने पे उसका असर हो सकता है उल्टा हो जाए, इसको पैराडॉक्सिकल सिचुएशन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। पहली बात, ज्यादा बनेगा कैसे, जब नॉर्मल सिर्फ इंडोथीलियम रिलीज करेगी तो नॉर्मल अमाउंट में करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर इंटरल्यूकिंस आ गए, साइटोकाइंस आ गए, टीएनएफ अल्फा इंटरल्यूकिंस 1 आ गया और कुछ और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर आ गए जो कहीं से भी आए, ठीक है। और भी बहुत तरह के इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स का हमने नाम सुना, बट मेनली कौन कौन से, साइटोकाइंस, ठीक है। इंटर टीएनएफ अल्फा, बेटा मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैं वैसे वाराणसी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और बहुत जल्दी मैं आप लोग के लिए जीपैट नाइपर की क्लासेस लेके आ रहा हूँ। मेरा अबाउट सेक्शन में जा करके मेरा नंबर व्हाट्सएप ले लीजिएगा, मैं आप पर्सनली आपसे कांटेक्ट करूँगा, जो भी आपको जानकारी चाहिए होगी मैं दूंगा, ठीक है। और जीपैट नाइपर के लिए हम लोग बहुत जल्दी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। चलिए, तो जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होंगे इनके बेसिस पे जब एनो रिलीज होगा तो ज़्यादा रिलीज होगा, अपार्ट फ्रॉम पोटेंट वैसोडायलेटर फैसिलिटेट मैक्रोफेज। मैक्रोफेज को, मैक्रोफेज क्या था बेटा, मोनोसाइट से बना हुआ एक फैगोसाइटिक सेल थी मैक्रोफेज, इसको ये फैसिलिटेट करता है। कौन फैसिलिटेट करता है, एनो। देखिए नॉर्मल अमाउंट में बनेगा तो सिर्फ वैसोडायलेशन कर रहा है, ब्लड वेसल्स पे काम कर रहा है, प्लेटलेट को जुड़ने से रोक रहा है। ज्यादा बना तो मैक्रोफेज जैसे बड़े सेल को, फैगोसाइटिक सेल को, जिसको मैं हल्क बोलता हूँ पर्सनली, उसको ये फैसिलिटेट कर रहा है। अब सोचिए हल्क को जाके सपोर्ट कर रहा है, यानी हल्क की एनर्जी को बढ़ा रहा है, इतना ज्यादा ये एनर्जेटिक हो गया है, समझ रहे हैं। हल्क भी जब कमजोर पड़ेगा, मैक्रोफेज जब कमजोर पड़ेगा बैक्टीरिया का फैगोसाइटिक करने में, फैगोसाइटोसिस करने में, तो उसको जाके ये सपोर्ट कर दे रहा है। कौन, एनओ। एनओ एक सिंपल सा क्या है, मॉलिक्यूल है, छोटा सा, बहुत छोटा सा, जिसका काम था ब्लड वेसल्स को डायलेट करना सिर्फ, और प्लेटलेट को जुड़ने से रोक देना थोड़ा सा। बट यहाँ पे बेटा जब ज्यादा बन रहा है तो क्या हो रहा है, जा करके वही डोपामाइन नॉर्मल बनेगा तो आप खुश रहोगे। डिप्रेशन का लेक्चर प्लीज जाके देखिएगा, आपके सिलेबस में है, ठीक है। लेकिन वही डोपामाइन ज्यादा बनेगा या कम बनेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा बनेगा तो अलग तरह की मैनिया बाइपोलर हो जाएगा, कम बनेगा तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो आप समझिए ज्यादा भी बुरा है, अलग तरह का रिएक्शन दे रहा है, कम भी, यहाँ बुरा नहीं है, बट एनो ज्यादा जब बन रहा है तो बेटा क्या हो रहा है, पहला काम क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर दे रहा है, ठीक है, किसको जाकर के, मैक्रोफेज को। क्या करता है, फैसिलिटेट करके इंड्यूस करता है टॉक्सिसिटी को। अब ये मैक्रोफेज जो बैक्टीरिया को मारने के लिए बना था, ये टॉक्सिक हो जाएगा हमारे लिए और बैक्टीरिया के लिए भी। अब टॉक्सिक वर्ड यूज किया है तो मेनली सेल के लिए होगा। अब वो सेल अगर बैक्टीरिया है या वो बैक्टीरिया सेल के अंदर छुपा हुआ है तो पूरा का पूरा सेल के लिए टॉक्सिक हो जाएगा। तो ऐसे समझिए मैक्रोफेज वैसे ही खतरनाक था, बैक्टीरिया वायरस को मार रहा था, लेकिन जब स्थिति ये आ चुकी है लड़ाई में कि अब पूरी की पूरी सेल को मारना होगा तो क्या होगा, ऐसे में ये आपके नाइट्रिक ऑक्साइड, अभी भी मैं बार बार उसमें चला जा रहा हूँ, है तो ऐसे में नाइट्रिक ऑक्साइड जब बेटा रिलीज होगा तो क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में, लेकिन किसके प्रेजेंस में रिलीज होगा, साइटोकाइंस के प्रेजेंस में। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जब ज़्यादा रिलीज होगा तो ये जाके मैक्रोफेज को इतना ज़्यादा खूंखार बना देगा कि मैक्रोफेज अब बैक्टीरिया का वेट नहीं करेगा, पूरे के पूरे सेल को ही मार देगा, इसी को टॉक्सिसिटी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे विच सब्सटेंस मेक मैक्रोफेज टॉक्सिक, मतलब एक मैक्रोफेज जो फैगोसाइटिक था, फैगोसाइटिक यानी हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस को फैगोसाइटोसिस करता था, उसको टॉक्सिक यानी सेल को मार देने वाला, किसी भी सेल को, जो सेल सामने आएगी, जैसे हल्क कई बार नहीं होता है एवेंजर्स के पुराने सीरीज में आपने देखा होगा, सेकेंड या पुराने पार्ट में, मुझे नहीं याद है किसमें, बट उसमें हल्क गुस्से में सब कुछ तोड़ फोड़ रहा है, सबको मार रहा है, वैसे ही ये क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस से टॉक्सिक बना देना मैक्रोफेज को। ये काम कौन करता है, जब ज्यादा अमाउंट में एनओ रिलीज होता है, एनओ को नो कहे सेल, ठीक है। चलिए बेटा एनओ को नो याद रखिए, एनओ रिलीज होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा ज्यादा अमाउंट में, तो ये प्रोसेस होगा। इसके अलावा क्या होगा,
एंड मे कॉन्ट्रीब्यूट टू ज्वाइंट डिस्ट्रक्शन, इसके अलावा ज्वाइंट्स को खराब करेगा। यानी एक चीज याद रखिए बेटा, मेडिकल की पॉइंट है लेकिन आपको भी समझना चाहिए, हम लोग MBBS से कम थोड़ी ना है, जितना वो पढ़ते हैं उतना हम भी पढ़ते हैं, बस एटीट्यूड। और जिस दिन हमारे अंदर वो एटीट्यूड आ गया, यकीन मानिए मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, उनका अपना रोल है, बहुत बड़ा रोल है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री, और इसके अलावा मैं सबसे इंपॉर्टेंट समझता हूँ, जो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है पूरे फार्मेसी में, वो क्या है, एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। डॉक्टर जल्दी HPLC के ऊपर काम करना है, कैसे करना है, ये सब हम लोग नहीं, वो लोग नहीं पढ़ते, ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं। 42 सब्जेक्ट्स वी स्टडी इन बी फार्मा एंड इन मास्टर्स वी स्टडी लॉट्स ऑफ थिंग, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, उनका बहुत बड़ा रोल है, दे आर गॉड, बट अगर वो गॉड है तो वी आर ऑल्सो लाइक देवता, ठीक है, हमारा भी अपना बड़ा बहुत बड़ा रोल है। बट दिक्कत की बात ये है कि पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हैं हम लोग, और सबसे बड़ी चीज़ है ये, बहुत सारा करप्शन है बहुत बड़े लेवल पे, इस पे बाद में डिस्कस करेंगे। बट एटीट्यूड बेटा रखिए कि आप बहुत इंपॉर्टेंस रखते हो रिसर्च में, साइटोलॉजी के लेवल पे, मॉलिक्यूल के लेवल पे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लेवल पे, मेडिसिन के लेवल पे बहुत आप इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आज एटीट्यूड रखेंगे तो एक दिन हमारे ही बीच से आने वाली जनरेशन, मैं नहीं तो मेरे स्टूडेंट, आप नहीं तो आपके आने वाली जनरेशन, आपके स्टूडेंट, कभी ना कभी कोई ना कोई बहुत अच्छा करेगा, एक्सट्रीम लेवल पे करेगा। चलिए तो बात करते हैं ज्वाइंट को डिस्ट्रक्शन की। मैं एक पॉइंट बताता हूँ बेटा, जिन पर्सन में, हो सकता है कई बार डॉक्टर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाए तो उसको भी ना पता हो, आपको पता होना चाहिए किसी पर्सन में NO का लेवल बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से उसके ज्वाइंट्स वीक होंगे, उसके ज्वाइंट्स वीक हो रहे हैं, उनके ज्वाइंट्स में डिस्ट्रक्शन हो रहा है। हाँ वी आर ए ब्रह्मा, सही बोले बेटा, एक्चुअली मैं देखिए कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये ऑफिशियल वीडियो है, हर कोई देखेगा, मैं किसी अगर कोई डॉक्टर देखता है तो मैं बता दूँ, मैं उसको चैलेंज या उसको किसी तरह से टॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ जैसे उनका रोल है वैसे हमारा भी रोल है, इवन फॉरेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारा, डॉक्टर के बराबर का इक्वलेंट रोल, बट इंडिया में क्या है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है मेडिसिन का नाम लिख करके, तो हमारी वैल्यू, गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बना रखी है और ऐसा हमने जानबूझ के ऐसा माहौल बना रखा है कि हमारी वैल्यू कम हो गई है। जब 2000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो मैं इस चीज़ पे स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊंगा और एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगा, हर महीने एक वीडियो क्या करना चाहिए हमको, जिससे फार्मासिस्ट कम्युनिटी जो है वो काफ़ी ह्यूज लेवल पे ग्रोथ करे और उसको वैल्यू मिले, वो वैल्यू मिले जिसका 1% भी अभी हमको नहीं मिल रहा है। बात 35,000 के जॉब की नहीं है, बात किसी तरह कोई भी नौकरी करके MR बन के या एनी हाउस सर्वाइव करने की भी नहीं है, बात है कि हम क्या कर सकते थे और कर सकते हैं, उस चीज़ से हमको बहुत दूर रखा जा रहा है, उसके बाद भी 42 सब्जेक्ट्स और वही फार्माकोलॉजी, वही KDT पढ़ने के बाद भी जो MBBS वाले पढ़ते हैं, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, BSc नर्सिंग करके कहीं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यहाँ बनारस में BHU है, यहाँ लोग 70,000 की जॉब करते हैं और वो हॉस्पिटल्स में जॉब करते हैं, हॉस्पिटल्स में जाके नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जैसे लेवल पे जॉब करते हैं, बट फार्मेसी को अप्लाइड करने में कहीं सही से सिस्टम में गड़बड़ी है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, फार्मेसी बी फॉर्म करके इतना कुछ पढ़ के बच्चा 10-15,000 के लिए स्ट्रगल कर रहा है, दैट इज़ नॉट गुड, और डिप्लोमा के बच्चे भी काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। यस बेटा, सेकेंड बिगेस्ट प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड, और फ्यूचर में ये नंबर वन पे होने वाला है, जो कोरोना जिस तरह से पैंडेमिक हो चुका है, मैं बियॉन्ड द टॉपिक जा रहा हूँ, मतलब आपके अपार्ट फ्रॉम टॉपिक जा रहा हूँ, बट जरूरी है ये बताना, आने वाले समय में हेल्थ केयर सेक्टर वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेक्टर बनने वाला है, वर्ल्ड का बिगेस्ट, ठीक है, 660,000 करोड़ रुपये का बहुत बड़ा मार्केट खड़ा होने वाला है सिर्फ एशिया में, तो आप समझिए, और उसमें फार्मासिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके लिए ऐसे नहीं हो जाएगा, हमको कुछ लेवल पे इनिशिएटिव डिसीजंस लेने होंगे जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, उस पर मैं अलग से कभी बनाऊंगा वीडियो बहुत जल्दी। चलिए तो यहाँ बेटा, अगर किसी पर्सन के अंदर NO बहुत ज़्यादा बन रहा है, एक्सट्रीम लेवल पर बन रहा है NO, तो ये क्या कर सकता है? हाँ बिल्कुल बेटा, कोरोना ने बता दिया, अगर रिसर्च में और फार्मेसी पे पूरा वर्ल्ड बहुत पैसा खर्च किया होता अब तक, ठीक है, तो कोरोना के लिए इतनी लैब्स और इस लेवल पे काम चल रहा होता कि जो एंटीडोट शायद 2 साल में बने वो 6 महीने में बन सकता था,
ठीक है, मैं सत्ता लगा रहा हूँ, इट कैन बी पॉसिबल, इट कुड बी पॉसिबल, बट क्या है कि क्या बोला जाए। चलिए तो बेटा, एनओ ज्यादा बनेगा, ज्वाइंट्स वीक होंगे, ज्वाइंट्स कमजोर होंगे, ज्वाइंट्स खराब होंगे, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन के अंदर कई बार क्या होता है, मेरी एक स्टूडेंट है, उसको अर्थराइटिस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बट उसके ज्वाइंट्स वीक होते जाते हैं, ज्वाइंट्स में पेन होता है। मैं गारंटी से नहीं कह सकता, देर आर सो मेनी रीजन, बट देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी दैट ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ एनओ लेवल बिकॉज ऑफ लिटिल बिट इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस, ठीक है। तो अगर एनओ का प्रोडक्शन एकाएक बॉडी में बढ़ गया है तो ज्वाइंट्स के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैक्रोफेजेस ज्यादा बनेंगे और उनको ये टॉक्सिक बना देगा, वो ज्वाइंट्स को खराब करेंगे, ठीक है। चलिए फिर, रोल ऑफ फ्री रेडिकल गैस नाइट्रिक ऑक्साइड। अब बेटा, जब ज्यादा बनता है, जब कम बनता है तो ब्लड में डिजॉल्व रहता है, जब ज्यादा बनता है तो एनओ, पहली बात क्या है, एक फ्री रेडिकल, जो एनओ नाइट्रिक ऑक्साइड है वो एक फ्री रेडिकल के तरह बिहेव करता है। तो जब ज्यादा बनेगा तो आप समझिए एक सॉरी काफी ह्यूज अमाउंट में बनेगा, तो गैसियस फॉर्म में ब्लड में बबल्स के रूप में रहेगा और फ्री रेडिकल के तरह बिहेव करेगा, ठीक है। एनओ इज इन्फ्लामेशन, एनओ इन्फ्लामेशन एंड सेल सिग्नलिंग मैसेंजर, इज लिख दिया मैंने। एनओ का रोल है किसमें, इन्फ्लामेशन में और सेल सिग्नलिंग मैसेंजर में, यानी जो ऊपर के पॉइंट्स उन्हीं को मैं बता रहा हूँ कि सेल सिग्नलिंग में, सेल के सिग्नलिंग में एनओ का बहुत बड़ा रोल है, यानी सेल को एक फेज से दूसरे में ले जाने में भी बहुत बड़ा रोल है, साथ में आपके जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि मैक्रोफेज का प्रोलिफरेशन करने में और उसको टॉक्सिक बनाने में, इस तरह के इन्फ्लामेटरी फंक्शन में भी बहुत बड़ा रोल है। चलिए बेटा, अब इसके आगे चलते हैं, आज एक टॉपिक और है, बस 10 मिनट में खत्म हो जाएगा होपफुली। प्लाज्मा डिराइव्ड फैक्टर, प्लाज्मा डिराइव्ड फैक्टर की बात करते हैं। अब ये वो फैक्टर है जो प्लाज्मा से, प्योरली प्लाज्मा से डिराइव्ड हो रहे हैं, ठीक है। ये कई हैं, इसमें से एक की बात हम लोग आज करेंगे, क्या है, काइनिन कलेक्टिंग एंड फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, काइनिन, ठीक है। अब देखिए बेटा, एक फैक्टर होता है जिसको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की सीरीज में 13 फैक्टर होते हैं, उसमें से एक है 13 फैक्टर में से, क्या नाम है उसका, हिगमन, HEGE, सॉरी MAN, ठीक है, हिगमन फैक्टर, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये कौन सा फैक्टर है, ये है फैक्टर 12, याद रखिए, इज एक्टिवेटेड ऑन कॉन्टैक्ट विथ कोलेजन बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड प्लेटलेट। ये क्या करता है, जब हिगमन फैक्टर जो कि 12th फैक्टर है ब्लड के क्लॉटिंग के सीरीज में, जब ये जुड़ेगा, कांटेक्ट करेगा, कोरिलेट करेगा, किसके साथ, टच करेगा, ये कांटेक्ट करिए, एडहेयर करेगा कोलेजन के साथ। कोलेजन देखिए मैं बता चुका हूँ, प्रोटीन है, कोलेजन प्रोटीन जो बेसमेंट मेम्ब्रेन में है, यानी स्किन या कहीं भी ऑर्गन, कहीं भी टिश्यू के नीचे की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, जहां पे चिपका होगा टिश्यू, वहां के कोलेजन से जब जुड़ेगा, कहीं और से नहीं बेटा, कोलेजन से जुड़ेगा और प्लेटलेट से जुड़ेगा, यानी कि पहली बात प्लेटलेट वहां आ जाए, कहां पे, जहां पे बेसमेंट में कोलेजन है, कोलेजन प्लेटलेट जुड़े और क्या बन जाए, उससे आके जुड़ जाए हिगमन फैक्टर, 12th फैक्टर आके जुड़ जाए, ठीक है, तब क्या बनेगा, एक तरह का मॉलिक्यूल बनेगा जिसका नाम क्या है, इसकी स्पेलिंग में पहले बता दूं, PRE, ठीक है, KALI, कैलीक्रीन, KREIN, तो एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसका नाम है प्री कैलीक्रीन, ठीक है। अब ये प्री कैलीक्रीन क्या करेगा बेटा, ये कन्वर्ट होगा कैलीक्रीन में, जो फ्यूचर में कन्वर्ट होगा ब्रैडीकाइनिन में। तो याद रखिए, काइनिन के बारे में हम लोग पढ़े थे, इन्फ्लामेशन में काइनिन नाम के कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो उन्हीं काइनिन में एक है ब्रैडीकाइनिन, ठीक है। तो कैसे बन रहा है बेटा, ये बन रहा है हिगमन फैक्टर जब आके जुड़ रहा है कहाँ पे, बेसमेंट मेम्ब्रेन की कोलेजन प्रोटीन के साथ, और वहां पे प्लेटलेट भी मौजूद है, प्लेटलेट का भी रहना जरूरी है। ये एक तरह का आप ऐसे समझिए, ये इवेंट नॉर्मल पर्सन में नहीं होगा, कोलेजन है, प्लेटलेट वहां कलेक्ट नहीं है, प्लेटलेट कलेक्ट है तो आपका हिगमन फैक्टर नहीं, ये तीनों जब रहेंगे तब ये रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, आपके प्री कैलीक्रीन और फिर उससे कैलीक्रीन ये मेच्योर होके बनाएगा और उससे ब्रैडीकाइनिन बनेगा। ब्रैडीकाइनिन बेटा क्या करेगा, ठीक है, ब्रैडीकाइनिन जो रहता है
ये बहुत सारे इन्फ्लामेशन में रोल प्ले करता है। आप ऐसे समझिए, जब ब्रैडीकाइनिन ज़्यादा बनता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, एक खास तरह की ड्रग होती है उसके, मतलब बीपी कम करने के लिए एक ड्रग होती है, उसको लेने पे ब्रैडीकाइनिन ज़्यादा बनने लगता है। तो मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जब ब्रैडीकाइनिन ज़्यादा बनता है तो क्या होता है। अच्छा, लव अफेक्शन वाला वीडियो देखे, थैंक यू बेटा फार्मासिस्ट। हाँ चलिए, लव अफेक्शन वाला वीडियो जो है उस पर मैं और वीडियो उस तरह के बनाने वाला हूँ। एक्चुअली साइकोलॉजी क्या वो वीडियो साइंस के ऊपर वही है बेटा, कि करना बहुत कुछ है, अब धीरे धीरे उसी में हो रहा है, देखिए कब होता है। चलिए, तो क्या होगा बेटा जब ये बनेगा, ठीक है, जब ये बनेगा ब्रैडीकाइनिन, तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फ्लामेशन प्लस कफ का, म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो आप ऐसे समझिए खांसी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो आप एक बार ऐसे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे फार्माकोलॉजी के, उनको पता होगा बहुत सारी ड्रग्स हैं, एक खास फैमिली की ड्रग है, आप प्लीज़ सर्च करिएगा, वो ड्रग है बीपी कम करने के लिए, बट उसका साइड इफेक्ट है कफ प्रॉब्लम, ठीक है। उसको एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एसी इनहिबिटर कहते हैं। तो प्लीज़ उसके बारे में भी देखिए अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो। तो मैं ये बताना चाहता ब्रैडीकाइनिन करता क्या है, एक एग्जांपल के लिए, कफ म्यूकस का प्रोडक्शन और कफ ड्राई कफ इसमें ज़्यादा आता है, सॉरी हाँ ड्राई कफ। तो एक बार इसको नेट पर देख लीजिएगा, कफ का प्रोडक्शन, खांसी ज़्यादा आने लग रही है ब्रैडीकाइनिन के बनने में, जब वो लंग्स में बन रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में बन रहा है। तो इस तरह से काइनिन जो होते हैं इन्फ्लामेशन में इस तरह और भी कई तरह से रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं इसके आगे, वैस्कुलर परमेबिलिटी, पेन, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये सब बढ़ जाएगा, ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगे, ठीक है, पेन होगा। और जो स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल अलग अलग तरह की मसल है। स्केलेटल मसल बेटा कहाँ होती है, हमारे बोन्स के ऊपर, और स्मूथ मसल से हमारा स्टमक बना है, स्मूथ मसल से हमारे इंटेस्टाइन बने हैं, लंग्स बना है। तो ये सब क्या करेंगे, ये सब आपके कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा। चलिए, उसके बाद कैलिक्रीन ऑल्सो मीडिएट प्लाज्मिनोजन, प्लाज्मिनोजन को मीडिएट करता है, उसको बनाने में रोल प्ले करता है, ठीक है। प्लाज्मिनोजन क्या है बेटा, प्लाज्मिनोजन से बाद में प्लाज्मिन बनता है, ये प्लाज्मिन, ठीक है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लाज्मिन जो है ब्लड के क्लॉटिंग और क्लॉटिंग को तोड़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्लस बहुत इंटरेस्टिंग है बताना यहाँ पे कि प्लाज्मिन जो होता है ये ओवा को ओवम से रिलीज करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, वहाँ पे भी इसका रोल है। तो नेक्स्ट क्लास में ही मैं इसको अलग से ऐड कर दूंगा, जो लेक्चर होगा उसको ऐड कर दूंगा, प्लाज्मिन का फंक्शन, ठीक है, बिकॉज मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं आएगा और इसका बहुत बड़ा रोल है आपके किसमें, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, ओवा के रिलीज में भी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। हाँ हाँ बेटा, बीपी के लिए, ठीक है। तो इसकी जो फैमिली होती है उसके बारे में मैं बता रहा था, इन्हीं ड्रग से होता है, ठीक है, ब्रैडीकाइनिन का ज़्यादा सिक्रीशन। चलिए, फिर उसके बाद क्या होगा आपके कैलिक्रीन, अब बात करते हैं ब्रैडीकाइनिन में ये सब क्वालिटी थी बेटा, जो मैंने बताया ये सब ब्रैडीकाइनिन में क्वालिटी थी, लेकिन कैलिक्रीन खुद भी ये क्या है, ये मीडिएट करता है प्लाज्मिनोजन को, वैस्कुलर परमेबिलिटी को और वैस्कुलर डायलेशन को, यानी ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी, ब्लड वेसल्स का डायलेशन, इन सबको ये कंट्रोल करेगा और साथ में प्लाज्मिनोजन के फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगा। याद रखिए, ब्रैडीकाइनिन प्लाज्मिनोजन नहीं बनाता, लेकिन यहाँ से रिएक्शन ऐसे कैलिक्रीन जो है ये प्लाज्मिनोजन बनाने में रोल प्ले करता है, और प्लाज्मिन जो है एक तरह की सेरीन प्रोटीन है, याद रखिएगा सेरीन एक तरह का अमाइनो एसिड होता है, उससे डिराइव प्रोटीन है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, मैं बता चुका हूँ कहाँ पे, ठीक है, आपके ओवा के रिलीज होने में और ब्लड के क्लॉटिंग और क्लॉट को बाद में जब वहां पे हीलिंग हो जाए तो क्लॉट को तोड़ने में। चलिए, फिर द फाइब्रिनोलाइटिक पेप्टाइड एंड स्प्लिट प्रोडक्शन ऑफ फाइब्रिन कैन इंड्यूस वैस्कुलर परमेबिलिटी एंड कीमोटैक्सिस, ठीक है। तो जब फाइब्रिनोलाइटिक पेप्टाइड एंड स्प्लिट प्रोडक्ट्स ऑफ फाइब्रिन, जो फाइब्रिन प्रोटीन होता है, फाइब्रिन यानी क्या होता है बेटा, जो क्लॉट बनता है उसको फाइब्रिन कहते हैं, ठीक है, तो उसको तोड़ा जब जाता है किसके प्रेजेंस में, फाइब्रिनोजन के प्रेजेंस में,
उसको ब्लड में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ ऐसे समझिए जो फाइब्रिन यानी जो क्लॉट है ये कैसे होता है, जब कहीं आपको चोट लगती है तो वहाँ ब्लैक कलर का क्लॉट बन जाता है, जब घाव भर जाता है तो वहाँ खुजली होती है ताकि वहाँ पे इचिंग होती है ताकि आप वहाँ पे उस क्लॉट को मतलब हटा दें। तो नॉर्मली क्या होता है हम उसको छीन देते हैं, वहाँ ब्लैक कलर की जो पपड़ी होती है वो अलग हो जाती है, बट अगर हम उसको ना छीनें तो उसके अंदर की जो ब्लैक कलर की लेयर है क्लॉट की वो धीरे धीरे पिघलेगी और वो अपने आप नहाते धोते अलग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा वहां पे जब वो अलग होगा बेटा, वो अलग होगा तो क्या होगा, वो अलग होकर के कीमोटैक्टिक को, मतलब आप याद रखिए जब भी फाइब्रिन टूटेगा, फाइब्रिन टूटना यानी क्लॉट का टूटना, जब भी क्लॉट टूटेगा तो क्या होगा बेटा, ये इंड्यूस करेगा वेस्कुलर परमेबिलिटी को, ये भी ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी को बढ़ाएगा और क्या करेगा कीमोटैक्सिस को, यानी कि कीमोटैक्सिस में बता चुका हूं पहले कई क्लासेस में, केमिकली एक ऐसा नेचर जिसके थ्रू किसी सेल्स को, किसी मॉलिक्यूल्स को, किसी ऑर्गन्स को, किसी ऑर्गन सिस्टम को, किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, तो ये प्रोसेस होगा फाइब्रिन टूटेगा। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस हो गए आज के लिए इतना, अब कुछ फैक्टर और बचे हैं जिनको फिनिश करके एक बार हम लोग समराइज करेंगे फिर मैकेनिज्म में चलेंगे, तो आपका इन्फ्लामेशन खत्म हो जाएगा। तो अब मॉर्निंग में नेक्स्ट क्लास होगी, आप देख लीजिएगा मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे मॉर्निंग 10 o'clock। ठीक है, ओके, सबको आपके तरफ से मैं बोल दूंगा, बनारस के सारे, वाराणसी के सारे स्टूडेंट्स को हाय बोल दूंगा। ठीक है, ओके बेटा, चलिए, थैंक यू।